अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और आज आपके लिए एक और बहुत ही अच्छी वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप अपने कंप्यूटर से अपनी मर्ज़ी का कुछ भी किसी भी टाइम किस तरह से बुलवा सकते हैं। तो वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। तो हमारे वीडियो के स्टार्ट में आप लोगों से गुजारिश यही करते हैं कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई आने वाली तमाम वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिलता रहे। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए आपको ज़रूरत होगी नोटपैड की। तो नोटपैड पे जो भी कोड मैं आपको लिख कर दूंगा, आपने बिल्कुल वही कोड अपने कंप्यूटर या लैपटॉप पर लिख लेना है और उसको सेव कर लेना है। तो इस ट्रिक में आप जो भी कोड लिखेंगे उसकी मदद से आप इस पे इजी तरीके से जो भी बुलवाना चाहें अपने कंप्यूटर से वो बुलवा सकते हैं। सबसे पहले हम इसको टैब को बड़ा कर देते हैं और यहाँ जो कोड मैं आपको बताने वाला हूँ आपने बिल्कुल वही कोड इस पर अप्लाई करना है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले लिखिए बिल्कुल, इसके बाद कोमा और स्पीक जी, और इसके बाद आप एंटर प्रेस कीजिए। और इसके बाद आपने इसे थोड़ा सा स्पेस देना है। स्पेस के बाद आपने यहाँ पर दोबारा लिखना है मैसेज इज इक्वल्स टू इनपुट बॉक्स एंड देन ये ब्रैकेट्स और उनके अंदर इन्वर्टेड कोमास, और इन इन्वर्टेड कोमास के अंदर आपने लिखना है एंटर टेक्स्ट जी। ये टेक्स्ट आप लिखेंगे तो आपने इसके बाद इसको दोबारा डबल कोमा से ख़त्म कर देना है और इसको इसके बाद आपने देना है कोमा और देन इसके अंदर आपने लिखना है स्पीक SPEA स्पीक, और यहाँ से मैंने एक ज़्यादा डाल दिया और बिल्कुल आपने बिल्कुल सेम इस तरह का स्केच बना लेना है। अगर आपको समय नहीं आती तो आपने वीडियो को रोक कर बीच में से देख लेना है। तो हम यहाँ पर दोबारा लिखते हैं, सॉरी यहाँ पर आपने लिखना है सेट SPEA के स्पीक इक्वल टू क्रिएट ऑब्जेक्ट। इसके बाद आपने ये सारी कोडिंग करनी है जो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। और इसके अंदर आपने लिखना है SAPI.SPVOICE जी, बिल्कुल आपने इस तरह की कोडिंग करनी है। देन आपने प्रेस करना है नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे आके आपने यहाँ पर लिखना है SPEA के स्पीक, फिर इसके बाद आपने यहाँ मैसेज और दैट्स इट। फिर आपने इसको कर लेना है सेव। सेव करेंगे तो आप यहाँ सेव इस पर क्लिक करके आपने इसे सेव कर लेना है। कुछ भी नाम दे देना है, फॉर एग्जांपल मैं दे देता हूँ स्पीक का ही नाम दे देते हैं speak.vbs। ये एक्सटेंशन मैंने आपको बताया, अब ये एक्सटेंशन जो है ये आपने यही एक्सटेंशन लिखनी है। अगर आप इसके जगह कोई और एक्सटेंशन को इस्तेमाल करते हैं तो आपके कंप्यूटर पर यह ट्रिक काम नहीं करेगी। तो इस तरह ओके करके आपने इसको डेस्कटॉप पर सेव कर दिया। अब मैं यहाँ से इसको कट कर देता हूँ। कट करने के बाद आपके पास इस तरह की एक फ़ाइल आपको शो हो जाएगी। तो आपने इस पर क्या करना है, आपने इसके ऊपर डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह की पॉपअप विंडो शो हो जाएगी और आपने इसके ऊपर लिखना है वो जो आप इससे बुलवाना चाहते हैं। मैं अब यहाँ पर लिखता हूँ, यहाँ पर सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग
वीडियोस। और अब मैं इसको करता हूँ ओके, सुनिएगा आप, ये बिल्कुल यही बोलेगा। Subscribe my channel for more intrestng videos। तो आपने सुना इसमें किस तरह से ये जो मैंने इसको वॉइस दी, आप जो मैंने इसको कमांड दी, इसने किस तरह से एक्सेप्ट करके इसको मैं कंप्यूटर पर अप्लाई किया। तो ये छोटी सी वीडियो आपकी गाइडलाइन के लिए इसलिए बनाई थी कि आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आएगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिलता रहे। तो अगले आने वाली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।